जीप कंपास फेसलिफ्ट, और ये जीप कंपास का बेस वेरिएंट आप लोग देख रहे हैं जो कि ये स्पोर्ट। फ्रंट की आप लोग कंप्लीट ग्रिल देख सकते हैं, इसकी 7 स्लिट्स देखने को मिलती है सिल्वर फिनिश के साथ जो कि क्लोज्ड है। और ये जीप की बैजिंग, नीचे की तरफ बिग साइज रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलता है बेहतर एयर इनटेक के लिए गाड़ी में। फॉग लैंप इसमें नहीं आता, रिफ्लेक्टर्स बेस्ड एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलती है गाड़ी में। ये वॉशर एंड वाइपर, और गाड़ी का साइड से आप लोग कंप्लीट लुक देख सकते हैं। बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है गाड़ी में, और इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है 17 इंच के एलॉय व्हील्स आप लोग देख सकते हैं। ऑल टेरेन टायर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी में आप लोगों को। आउटसाइड ओआरवीएम्स आप लोगों को ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ये कंपास की बैजिंग यहां पे देखने को मिलती है। ऊपर रूफ में आप लोगों को रूफरेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है गाड़ी में। और काफी पीछे से आप लोग लुक देख सकते हैं गाड़ी का, काफी अच्छा लुक देखने को मिलता है। ये पीछे की टेल लैंप्स, जीप की बैजिंग देखने को मिलती है गाड़ी में पीछे। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को 2 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और हिल असिस्ट देखने को मिलता है। और ये गाड़ी के आगे पीछे दोनों ही आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। 4.4 मीटर की लेंथ मिलती है गाड़ी में और 1.6 मीटर की हाइट मिलती है। और आइए गाड़ी का बूट ओपन करके देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है बेस वेरिएंट में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनर मिलता है बूट में, वन टच से ही ओपन हो जाता है बूट गाड़ी का, और काफी अच्छी हाइट में ओपन होता है वो। और यहां पर आप लोगों को 438 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी डीप है। काफी सारा लगेज आप इसमें रख सकते हैं। 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ रियर सीट आप फोल्ड कर सकते हैं गाड़ी की। स्पेयर व्हील की बात करें तो 16 इंच का ही देखने को मिलता है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं, जो कि स्टील रिम है। कंपनी की तरफ से आप इसमें पार्सल ट्रे भी लगवा सकते हैं। पीछे बूट में लैंप देखने को मिलती है हुक्स के साथ, और एक प्रीमियम फील आता है गाड़ी में ओवरऑल। रियर विंडशील्ड में रियर वाइपर डिफॉगर देखने को मिलता है एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ। और यहां से भरेंगे गाड़ी में पेट्रोल, आप लोग देख सकते हैं, टच से ही ओपन हो जाती है गाड़ी की फ्यूल लिड। और आइए देखते हैं गाड़ी के पीछे के पैसेंजर साइड गेट का लुक। तो दोस्तों आप लोग डोर की फिनिश देख सकते हैं, काफी अच्छी देखने को मिलती है। ब्लैक एंड फैब्रिक फिनिश देखने को मिलती है ग्रे कलर में। पावर विंडो की कंट्रोल देखने को मिलती है यहां पे। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, स्पीकर, सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल, और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की पीछे की सीट्स। फैब्रिक आप लोगों को अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है सीट्स में, जो कि काफी अच्छी देखने को मिलेगी आप लोगों को। लेगरूम गाड़ी में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और ये रियर एसी वेंट्स की आप लोग यहां पे पोजीशन देख सकते हैं, वो भी काफी सही है। ये यूएसबी सॉकेट, और उसके नीचे आप लोगों को 12 का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी चीज करी है जीप ने यहां रियर एसी वेंट के साथ। और यहां पे आप लोगों को लैंप देखने को मिल जाती है पीछे, रीडिंग लैंप। हाइट एडजस्टेबल दो हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, और इसको उठाएंगे तो यहां पे आप लोगों को आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि दो कप होल्डर देखने को मिलेंगे। और जो गाड़ी का ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है आप लोगों को। 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, और ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, जो कि कंप्लीट चेंज कर दिया जीप ने अपने फेसलिफ्ट में। आप लोग कंप्लीट लुक देख सकते हैं। डैशबोर्ड में भी आप लोगों को फैब्रिक फिनिश देखने को मिलती है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को मिलते हैं। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूं इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, तो एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करता हूं आप लोगों की, तो 16.99 लाख की है। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूं रायपुर में, तो आप लोगों को 19.37 लाख की पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर भी मिल जाएगा डीलरशिप का, उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये ड्राइवर साइड गेट की लुक, ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिलती है वहीं पे, ओआरवीएम कंट्रोल, ये बॉटल होल्डर, आप लोग कंप्लीट लुक देख सकते हैं। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की ड्राइवर साइड सीट, इसकी हाइट आप लोग मैन्युअली कम ज्यादा कर सकते हैं। ये फ्रंट की सीट्स का कंप्लीट लुक, और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के डैशबोर्ड का लुक आप लोग देख सकते हैं, जो कि चेंज कर दिया गया कंप्लीट। और ये गाड़ी के पेडल्स, सीट मैंने पूरी पीछे कर ली गाड़ी। और चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और डोर को क्लोज कर लेते हैं। एक प्रॉपर थड के साथ गाड़ी के डोर क्लोज होते हैं, गाड़ी काफी सॉलिड फील होती है ओवरऑल। और आप लोगों को गाड़ी की कीज भी दिखा देता हूं। बेस वेरिएंट में आप लोगों को ऐसी की देखने को मिलती है, लॉकर अनलॉक फंक्शन के साथ जैक नाइफ की, और यहां से इंसर्ट हो जाएगी। और ये जो इंसर्ट होने की एक एक चीज है आप लोगों को उसमें काफी प्रीमियम फील कराएगी वो। यहां पे आप लोगों को इन्फोटेनमेंट के यहां पे कंट्रोल देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं एमआईडी के, सॉरी। और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में एमआईडी मिलती है, और लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिलता है गाड़ी में।
स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आप लोगों को स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, और यहां पे भी प्रॉपर फिनिश दी गई है आप लोग देख सकते हैं, तो कहीं से भी आप लोगों को फील नहीं आएगी। स्टेयरिंग व्हील में आप लोगों को दोस्तों इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, फोन आप लोग वहीं से रिसीव कर सकते हैं। स्टेयरिंग व्हील की जो ग्रिप है काफी अच्छी देखने को मिलती है, और यहां पे आप लोगों को वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है गाड़ी में, ड्राइवर साइड सनशेड में भी और पैसेंजर साइड सनशेड में भी आप लोगों को वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। ये ऊपर की रीडिंग लैंप्स आप लोग देख सकते हैं। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर नहीं मिलता इस वेरिएंट में, डोर रैंक के हिसाब से मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। लेदर फिनिश मिलती है डैशबोर्ड में आप लोगों को, अपर साइड में भी, और ये फैब्रिक फिनिश आप लोग देख सकते हैं। और ये है दोस्तों इसका 8.4 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ब्लूटूथ यूएसबी एंड ऑक्स को, और काफी रिस्पॉन्सिव है ये। अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो उसमें आप लोगों को 10 इंच का देखने को मिलेगा, ये बिना लैग के चलता है, और जो इसका डे में ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, जो इसका रिजोल्यूशन है वो। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स देखने को मिलते हैं गाड़ी में आप लोगों को, और वहीं पे आप लोगों को एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये है दोस्तों इसका 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, इसका मैं आप लोगों को रिवर्स गियर भी लगा के दिखा देता हूं, ये नॉब उठा के लगेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं इसमें कैमरा देखने को मिलता है, उसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी देखने को मिलती है, क्लियर। और वहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है, यूएसबी सॉकेट देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफी डिसेंट साइज का देखने को मिलता है लाइट के साथ, काफी सारे डॉक्यूमेंट अब इसमें रख सकते हैं अपने ग्लव बॉक्स में गाड़ी में। और चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं, और ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है इंटीरियर की काफी प्रीमियम फील होती है आप लोगों को। ये 2 कप होल्डर यहां पे, और ये गाड़ी में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि स्लाइडेबल है, लेदर रैप, और इसके अंदर भी काफी डीप स्पेस देखने को मिलती है आप लोगों को, इसमें काफी सारा सामान आप रख सकते हैं अपना। आप लोगों को 7 स्पीड सीवीटी का भी, डीसीटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है सॉरी, और अगर आप डीजल लेते हैं तो आप लोगों को उसमें केवल 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये वाइपर्स के कंट्रोल है आगे और पीछे, और ये लाइट्स के, और एक प्रॉपर आप लोगों को दोस्तों अगर आप डैशबोर्ड में फिनिश देखते हर चीज की आप लोगों को प्रीमियम फील होगी। जैक नाइफ की देखने को मिलती है गाड़ी में, और यहां से आप लोग इसकी जो हेडलैम्प्स है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं हेडलाइट का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं वहीं से आप लोग। आउटसाइड ORVM हीटेड फंक्शन के साथ देखने को मिलते हैं आप लोगों को, इंटरनली एडजस्टेबल और फोल्डेबल फंक्शन के साथ। और यहां से ओपन हो जाएगा दोस्तों गाड़ी का बोनट, और आइए गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं गाड़ी का इंजन जीप कंपस का। तो चलिए दोस्तों गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यह है 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन आप लोग देख सकते हैं। पावर की बात करूं तो आप लोगों को 163 bhp की पावर देगा और 250 nm ऑफ टॉर्क, 7 स्पीड सीवीटी का भी ऑप्शन मिलता है आप लोगों को और 6 स्पीड मैनुअल का भी इस पर्टिकुलर पेट्रोल वेरिएंट में। एक आप लोगों को 2000 cc डीजल इंजन भी देखने को मिलता है फिएट सोर्स, जो कि 170 bhp की पावर देगा और 350 nm ऑफ टॉर्क वो आप लोगों को निकाल के देगा। और साथ ही में अगर गाड़ी के कलर ऑप्शंस की बात करूं दोस्तों तो आप लोगों को इसमें ये ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, इसके अलावा ब्लू, ग्रे, रेड, व्हाइट, मैग्नीसो ग्रे और ग्रीन कलर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। बोनट में हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को नहीं मिलते आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा जीप कंपस 2021 फेसलिफ्ट का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो लिखिए रजत श्रीवास्तव 1310। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।